तो सभी को गुड मॉर्निंग। अच्छा चल रहा है सबकी जिंदगी? पानी नहीं पिलाएगा आज? तू अज्यूम करके चलाएगा कि सर को थोड़ा पानी देना है। ओके, तो हमारा इंडेमनिटी एंड गारंटी नाम का टॉपिक स्टार्ट हुआ था। आखिरी क्लास आज लेंगे, आज इसको पैक करते हैं। स्टडी मटेरियल से इंडेमनिटी और मेरे नोट्स से इंडेमनिटी पूरा कर लिया। मेरे नोट्स से गारंटी अभी स्टार्ट हुआ था, थोड़े बहुत टॉपिक हुए होंगे एंड आज इसको मेरे नोट्स से करके सीधा स्टडी मैट पे चल के बिल्कुल इसको पैक करके साइड करते हैं यूनिट नंबर 7 को। ठीक है, उससे पहले एज यूजुअल हमारा जो मेन काम होता है रिवीजन का, तो वो रिवीजन से शुरू कर रहा हूँ। इंडेमनिटी एंड गारंटी में इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? एक पर्सन होता है जिसका नाम होता है इंडेमनिफायर। वो ये वादा करता है इंडेमनिटी होल्डर को कि अगर तेरा कोई नुकसान मेरी वजह से या किसी और की वजह से हो जाता है तो मैं तुझे उस नुकसान के बदले में कॉम्पनसेशन दूंगा। ऑल वेल, तो दो सेक्शंस यहाँ पर पढ़ने हैं, एक सेक्शन 124 है, एक सेक्शन नंबर 125 है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का द टर्म इंडेमनिटी लिटरली मीन्स सिक्योरिटी अगेंस्ट द लॉस और टू मेक गुड द लॉस और टू कॉम्पनसेट द पार्टी हु हैज सफर्ड सम लॉस। जिस पार्टी ने कुछ लॉस सफर्ड किया है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस कर रही है दूसरी पार्टी को सेव करने की। और क्यों सेव करने की? क्योंकि दूसरी पार्टी को लॉस हुआ है, या तो उसकी वजह से या किसी और की वजह से। तो जिसने लॉस को, जिसने पर्सन को सेव करने के लिए बोला तो वो इंडेमनिफायर हो गया, और जिसको बोला वो इंडेमनिटी होल्डर हो गया। इंडेमनिटी का जो डेफिनेशन है वो रेस्ट्रिक्ट करता है, वो सिर्फ लॉस प्रोमिसर की वजह से या एनी अदर पर्सन की वजह से अगर होगा तो ही इंडेमनिफायर लॉस करेगा। अगर एक्ट ऑफ गॉड वगैरह होगा तो नहीं करेगा। बट गजानन मरेश्वर वर्सेस मरेश्वर मदान के केस में एक्ट ऑफ गॉड को भी इंडेमनिफाई करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था 1940। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। ठीक है, और इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स क्या होते हैं व्हेन सूड, ये इंपॉर्टेंट है। अब इंडेमनिटी होल्डर, जैसे कि थर्ड पार्टी जो है वो इंडेमनिटी होल्डर से, मैंने को याद है तुम्हें वो कार भिड़ गई थी, तो इंडेमनिटी होल्डर ने डैमेज दिया, इंडेमनिटी होल्डर ने सारे खर्चे बियर करे केस के, तो वो सारे पैसे वो कहां से ले लेगा? इंडेमनिफाई। जैसे आपकी इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में एग्जाम्पल है और मैंने अपने नोट्स में सारे एग्जाम्पल वहीं से डाले हुए हैं। तो जो इंडेमनिफायर है उसने बोला है कि इंडेमनिटी होल्डर को, भाई तू जा और तू जाकर केस कर, अगर तू केस हार गया तो सारा पैसा मैं दूंगा, केस लड़ने का सारा पैसा मैं दूंगा। ये वादा इंडेमनिफायर ने किया। इंडेमनिटी होल्डर ने केस करा आगे जाके, इंडेमनिटी होल्डर केस हार गया, हारा तो कोर्ट ने उसको डैमेज देने के लिए बोला, प्लस उसने केस करने पे खर्चे किए थे, तो सारे खर्चे किससे रिकवर करेगा? इंडेमनिफायर से। तो इंडेमनिटी, इंडेमनिफायर की लायबिलिटी कब स्टार्ट होती है? तो बहुत सिंपल है, इंडेमनिफायर की लायबिलिटी स्टार्ट होती है जब इंडेमनिटी फायर और इंडेमनिटी होल्डर का जो लायबिलिटी है वो क्या हो जाता है? जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो होता है उसमें गाड़ी थक गई, गाड़ी गई सर्विस सेंटर, तो पहले से पैसे तय थोड़ी होते हैं कितना खर्चा आएगा, पहले पूरी गाड़ी में हाँ जी सारा खर्चा वर्चा देखा जाता है, फिर उसके बाद बिल बना के दिया जाता है। तो जी अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कितनी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होता है? त्रिपार्टी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, त्रिपार्टी। ठीक है, त्रिपार्टी फिर आ गया, देखी किसी ने मिर्जापुर? हाँ तो बोल मत देना, ये बहुत मारूंगा। ठीक है चलो जी,
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज द ट्रिपार्टी कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर क्या होता है, एक पर्सन जो श्योरिटी होता है वो एक डेटर, प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर क्रेडिटर को गारंटी देता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर ने तेरे दिए हुए, तेरे उधार के पैसे नहीं दिए तो फिर मेरे से ले लेना। आगे समझ, कोई समस्या जी? तो इसको कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टी होती है, एक श्योरिटी, एक क्रेडिटर और एक प्रिंसिपल डेटर। श्योरिटी कौन होता है जी? जिस बंदे ने गारंटी दी है। प्रिंसिपल डेटर कौन होता है? जिसके लिए गारंटी दी है। और क्रेडिटर कौन होता है? जिसको गारंटी दी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के फीचर्स क्या क्या होते हैं? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बड़े अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। सबसे पहला, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ओरल और रिटर्न होता है, या तो रिटर्न या तो। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कंसिडरेशन होता है, डायरेक्ट भी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में पार्टीज जो होती है वो कॉम्पिटेंट होती है, और अगर वो कॉम्पिटेंट ना हो तो प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी होगी? श्योरिटी की। नेचर, ये तीन बातें याद रखना, ठीक है? तीन बातें कौन सी? ओरल, रिटर्न, कंसिडरेशन, पार्टी टू गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट। फिर ये कहता है नेचर एंड लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी क्या होता है। तो श्योरिटी की को एक्सटेंसिव लाइबिलिटी होती है, मतलब सिमिलर एज इट इज। श्योरिटी की लाइबिलिटी सेकेंडरी और कंडीशनल होती है, सेकेंडरी और। श्योरिटी की लाइबिलिटी कब शुरू होती है? जब पीडी क्या कर देता है? डिफॉल्ट कर देता है। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, अगर श्योरिटी ने 80,000 के लिए बोला है, लोन 1,00,000 का दे दिया गया, तो श्योरिटी विल बी लाइबल फॉर 80,000 ओनली। श्योरिटी इज लाइबिलिटी इन द केस ऑफ को श्योरिटी। अगर आप को श्योरिटी की बात करो तो श्योरिटी की लाइबिलिटी क्या होती है? तो को श्योरिटी ने जो भी रेशियो बोला है, साथ में नहीं बोला तो। गारंटी कितने टाइप की होती है? एक सिंपल और स्पेसिफिक गारंटी और एक कॉन्टिन्यूस गारंटी। फिर हम ये कर रहे थे राइट्स ऑफ श्योरिटी, और यहां हमारा लेक्चर खत्म हो गया। शुरू कर दे जी। तो राइट्स ऑफ श्योरिटी ये बात करता है कि श्योरिटी के अधिकार क्या क्या होते हैं। श्योरिटी की लाइबिलिटी तो आपको समझ में आ गई भाई, अगर पीडी प्रिंसिपल डेटर पैसा देने से फेल हो गया तो फिर लाइबल कौन होगा? श्योरिटी लाइबल है। श्योरिटी के राइट्स हैं, सबसे पहला राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर, ठीक है। दूसरा है राइट अगेंस्ट द पीडी, पीडी मतलब, और तीसरा है राइट अगेंस्ट द, मतलब तीनों के खिलाफ। तो सबसे पहला स्टार्ट करेंगे राइट अगेंस्ट द, और बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही सिंपल। सबसे पहला राइट है क्रेडिटर के खिलाफ, राइट टू क्लेम सिक्योरिटी। भाई क्या हुआ कि क्रेडिटर ने पीडी को लोन दिया था, श्योरिटी ने गारंटी दी, पीडी लोन नहीं चुका पाया, तो लोन किसने चुका दिया? लेकिन पीडी का कुछ सिक्योरिटी पड़ा हुआ था क्रेडिटर के पास, तो पैसे पीडी के बिहाफ पर किसने दे दिए? तो क्या श्योरिटी सिक्योरिटी नहीं लेगा? पहली बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात, मान लो कि पीडी ने 10,000 लिए थे, ज्यादा क्या, पूरी सिक्योरिटी लेगा वो, चाहे जितनी रखी थी, कम का ज्यादा का कुछ मैटर नहीं करता। हाँ और क्या, वो क्रेडिटर का थोड़ी है। अब वो सिक्योरिटी से भिड़ेगा ना, डेटर से बाद में भिड़ेगा, वो वापस क्यों नहीं करेगा? अब ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट पे। एक बात और सुनो, पीडी ने 10,000 लिए थे, श्योरिटी ने 10,000 देने का वादा किया, पीडी पैसे नहीं दे पाया, तो श्योरिटी कितने के लिए लाइबल है?
मान लो श्योरिटी को क्रेडिटर से 5,000 लेने थे, तो श्योरिटी क्रेडिटर को 5,000 देगा या 10 देगा? लॉजिक क्या कहता है? 5 ही देगा, क्योंकि मेरे को तेरे से 5 लेने भी तो है। इसको कहते हैं सेट ऑफ। अगर मैं श्योरिटी हूं, आप क्रेडिटर हो, प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया, तो श्योरिटी जो है वो सेट ऑफ करेगा। इससे ऑल वेल। तो देखो लिखा हुआ राइट टू क्लेम सिक्योरिटी में, व्हेन द गारंटर रीपे द डेब्ट ऑन डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, देन द श्योरिटी मे क्लेम द सिक्योरिटी फ्रॉम द, पहला ओके। दूसरा है राइट टू क्लेम सेट ऑफ, समझ में आया? मतलब मेरे को एज श्योरिटी, मैं अभी लाइबल हो गया 20,000 के लिए, क्योंकि पीडी ने 20,000 लिए थे, डिफॉल्ट कर दिया उसने, लेकिन क्रेडिटर से मुझे 5,000 पहले के लेने थे, तो मैं क्रेडिटर को कितने रुपए दूंगा? 15,000, 5 सेट ऑफ करके। तो यहां कहता है सेट ऑफ मींस एडजस्टमेंट ऑफ म्यूचुअल डेप्ट। कहता इफ देयर इज एनी डेप्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर अगेंस्ट द क्रेडिटर, देन द श्योरिटी मे आस्क द क्रेडिटर फॉर फर्स्टली एडजस्टिंग द डेप्ट एंड द श्योरिटी विल बी लाइबल फॉर द बैलेंस अमाउंट। ऑल वेल। तो देखो जी, दो अधिकार हैं क्रेडिटर के खिलाफ, एक तो वो सिक्योरिटी क्लेम करेगा और एक राइट टू क्लेम सेट ऑफ। अब अगला कह रहा है राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में क्या राइट है? तो देखो, सबसे पहला राइट है राइट ऑफ सबरोगेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको बहुत अच्छे से यहां समझाना चाहता हूं। राइट ऑफ सबरोगेशन, पीडी ने पैसे लिए क्रेडिटर से और उसके लिए गारंटी किसने दी? ड्यू डेट पर पीडी फेल्स टू पे, तो फिर ये पैसा किसने दे दिया? अब पीडी के ऊपर एक्शन लेने का अधिकार किसको हो गया? मतलब अब श्योरिटी ही क्या बन गया, और क्रेडिटर के सारे राइट किसके ऊपर आ गए? मतलब क्रेडिटर का सब्स्टिट्यूट यहां आ गया श्योरिटी के नाम पर। ऑल वेल। और इसी सब्स्टिट्यूशन को कहते हैं सबरो। मैंने कहा था ना, देखो लॉजिकल भी है और इजी भी है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत आसान है, लेकिन इसके पॉइंट्स आपको याद रखने, वो भी लॉजिक के साथ। ठीक है, डन है। अब देखो यहां क्या कहता है, राइट्स ऑफ सबरोगेशन में कहता है इट मींस सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन पर्सन बाय अनदर पर्सन। सो व्हेन द श्योरिटी पेज डेप्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी गेट्स ऑल द राइट्स विच वर अर्लियर अवेलेबल टू द, सारे राइट्स मिल जाएंगे जो पहले किसके ऊपर, किसके पास थे। और दूसरा है हमारा राइट टू बी इंडेमनिफाइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेमनिफिकेशन? यस, सिंस देयर इज एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बिटवीन श्योरिटी एंड पीडी, सो श्योरिटी हैज अ राइट टू रिकवर एवरीथिंग लाइक डेप्ट अमाउंट कॉस्ट ऑफ डिफेंडिंग सूट फ्रॉम पीडी। अब पीडी ने डिफॉल्ट कर दिया, तो क्रेडिटर ने श्योरिटी को पकड़ लिया, श्योरिटी ने क्रेडिटर को पैसे दे दिए। अब श्योरिटी किसके पास ऊपर केस करेगा? तो केस करेगा तो कॉस्ट जो लगी केस की वो भी लेगा, डैमेज भी लेगा, मेन अमाउंट जो मैंने दिया वो भी लूंगा, मतलब सारे खर्चे लूंगा। आगे समझ। अब तीसरा है राइट अगेंस्ट द को श्योरिटी। अब जैसे दो श्योरिटी ने, ए और ए वन ने 20,000 रुपए लिए थे प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर से, ए और ए वन दोनों ने 50-50 का क्या दिया, बोला कि 50 तू दे दियो, 50 कौन देगा? मैं दे दूंगा। तो 50 तू दियो, 50 मैं दे दूंगा का मतलब क्या है?
मतलब कि मान लो कल को पीडी ने डिफॉल्ट कर दिया तो क्रेडिटर दोनों को श्योरिटी से पैसा मांगेगा, तो जो मेन को श्योरिटी है वो दूसरे वाले को श्योरिटी को इंजिस्ट कर सकता है या नहीं, नहीं समझे? हाँ सुनो, प्रिंसिपल डेटर ने पैसा लिया किससे, और पैसा लिया 20,000। अब इस 20,000 की गारंटी जो है वो दो लोगों ने दी, ए और, यहां तक ओके? प्रिंसिपल डेटर ने क्या कर दिया, अब क्रेडिटर को पैसा चाहिए, क्रेडिटर को ए ने दे दिए कितने, तो ये ए बंदा ए वन का जो हिस्सा है, मान लो एग्रीड रेशियो 60-40 था, तो 8,000 रुपए ए वन से मांगने का अधिकार है या नहीं? हाँ बेटे बोल। अरे गधे मेरे, यही तो कह रहा हूं, पीडी ने डिफॉल्ट कर दिया और डिफॉल्ट की गारंटी इन्होंने दी है दोनों ने, तो मैंने गारंटी दी है तो मैं ही तो दूंगा क्रेडिटर को। ऑल वेल, बोल, डाउट है तो बोल, मैं बताता हूं। इन दोनों ने मिलके गारंटी दी है, सुन, इन दोनों ने मिलके बोला कि हम 20,000 क्रेडिटर तुझे देंगे अगर पीडी, तो क्या हुआ, पीडी ने डिफॉल्ट करा तो पूरा पैसा ए ने दे दिया क्रेडिटर को, लेकिन ए तो सिर्फ 12,000 के लायबल था क्योंकि ए वन ने भी तो बोला था 8,000। आ गया? चल भाई, तो देखो, राइट टू आस्क, नंबर वन, राइट टू आस्क फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन, लिखा है ए प्लस ए वन, दोनों ने मिलकर, बातें नहीं, दोनों ने मिलकर बी को गारंटी दी कि तू सी को पैसे दे दे। इफ द एंटायर अमाउंट ऑफ डेप्ट ऑफ पी डी इज पेड बाय को श्योरिटी, देन ही हैज अ राइट टू क्लेम कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर। देखो मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया, ए एंड ए वन गारंटी अ लोन ऑफ ₹1,00,000 गिवन बाय बी टू, तो सी है पी डी, बी है क्रेडिटर, ऑन डिफॉल्ट ऑफ पी डी, यानी कि सी ने डिफॉल्ट कर दिया, ए ने सारा पैसा जो है वो बी को दे दिया 1,00,000 रुपए, तो अब ए का अधिकार है कि वो ए वन से, ए हैज अ राइट टू आस्क कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर को श्योरिटी दैट इज ₹50,000, एज्यूमिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इज इन इक्वल, मान के चलो ये कॉन्ट्रीब्यूशन कौन से रेशियो में इक्वल। आ गया समझ? अब अगला कहता है, नंबर दो कहता है राइट टू शेयर द बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटी, ये भी है। अब क्या हुआ, मान लो इसी केस में पीडी ने क्रेडिटर को अपना लैपटॉप भी दिया था, तो भाई 12,000 ए ने दे दिए, 8 किसने दे दिए, ए वन ने दे दिए क्रेडिटर को, और क्रेडिटर से लैपटॉप ले लिया, तो अब बताओ वो लैपटॉप का जो शेयर होगा वो भी तो 60-40 में दोनों में बटेगा, समझ गए बेटे, आ रहा है समझ में? चलो, तो राइट टू शेयर द बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटी कहता है, इन केस अ को श्योरिटी हैज ऑब्टेन द एंटायर सिक्योरिटी, देन अदर को श्योरिटी हैज अ राइट टू शेयर द बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटी विद द फर्स्ट को श्योरिटी, सही है? तो देखो तीनों के खिलाफ राइट्स हैं, तीनों के खिलाफ दो दो, तीन तीन, दो दो राइट है। देखो, एक तो राइट टू क्लेम सिक्योरिटी सेट ऑफ क्रेडिटर के खिलाफ, और राइट टू सबरोगेशन इंडेमनिफिकेशन अपने पीडी के खिलाफ, और राइट अगेंस्ट को श्योरिटी, राइट टू आस्क फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड राइट टू शेयर द बेनिफिट ऑफ। इतने बेचैन तुम लोग क्यों रहते हो क्लास के अंदर, 1.5 घंटे की तुम्हारी 2 घंटे की क्लास होती है, उसमें तुम्हें पानी पीना 10 बार, 3 बार बाथरूम जाना है, 3 बार वो काम करने हैं, कभी उसको वो मांग रहा है, कभी कुछ मांग रहा है, कॉन्सेंट्रेशन पता है क्या होता है? एक बार की बात है, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो इंटरमीडिएट में नए नए आए थे, तो ये 2009 की बात, 2009 में, तो हम लोग गए पढ़ने के लिए, तो
हमारा कुछ चौथा पांचवी क्लास थी इंटर की, अकाउंट्स की क्लास चल रही थी, और उसी समय उससे पिछले अटेम्प्ट का जो है रिजल्ट आया था इंटर का। एक बच्चा था, मुझे बिल्कुल नाम याद नहीं है उसका, उसकी 11th ऑल इंडिया रैंक आई थी, 11th ऑल इंडिया रैंक आई थी उसकी। तो वो आया था सर से मिलने के लिए, क्लास में कुछ होंगे 800 स्टूडेंट, 800, हाँ ऐसी क्लास होती थी पहले ऑडिटोरियम में लक्ष्मी नगर में, तब ITO में थी ऑडिटोरियम में क्लास, ठीक है, आंध्र एजुकेशन सोसाइटी ITO में है। तो जी अब वो आया तो उसने, सर ने इंट्रोड्यूस करवाया, मेरे को बिल्कुल नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों पहले नाम याद था। तो सर ने बताया कि भाई ये बच्चा जो है क्लास में रेगुलर था, अटेंटिव था, अच्छा था, 11th रैंक मजाक नहीं होती, ऑल इंडिया 11th रैंक आप लेकर आ रहे हो। तो बच्चे की मम्मी भी आई हुई थी वहां पे, तो सर ने क्या करा, माइक दे, गूज़बम्स आते ऐसे बोलते हो, सर ने क्या करा माइक दे दिया उसकी मदर को, क्या माता जी आप भी कुछ बोले। उसकी मम्मी ने बोला कि मैं जो बोलने वाली हूँ, पहली समझदारी वाली लाइन तो यही थी कि मैं जो बोलने वाली हूँ आप लोग ये मत समझना कि एक माँ बोल रही है अपने बच्चे के लिए, क्योंकि माँ हमेशा फेवर में बोलती है, सबसे बेस्ट लाइन तो यही थी ताकि बंदा और अटेंटिव हो जाए कि सुने। उसकी माँ ने बोला कि आप लोग शायद यकीन ना माने, ये भरी दोपहरी में गर्मी में ये पढ़ता था ना, इसको ये होश नहीं रहता था कि पंखा खुला या नहीं खुला, कई बार मैंने ये देखा कि उसके पसीने टपक रहे हैं इसके ऊपर, किताबों के ऊपर, और ये लगा पड़ा है। यानी एक बार दो बार नहीं, लगभग 40-50 बार मैंने उसका पंखा चलाया जाके, तो कई बार उसको मैं खाना देकर आती थी, सबसे ज्यादा होता था रात को दूध देती थी, तो लगभग लगभग 70-80 बार ऐसा हुआ है कि उसका दूध सुबह क्लास में एज इट इज था। तो मैंने एंड में क्या करा, मैं खुद जाके बैठा के बैठ के पिलाती थी, तब मैं वहां से निकलती थी। उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल इतना भयंकर था कि उसके आसपास क्या होता था उसको कुछ भी नहीं पता। आज वो बहुत कामयाब CA होगा जहां भी होगा, क्योंकि 2009 में वो इंटरमीडिएट हो गया, तो आई थिंक 2011-12 तक वो चार्टर्ड बन गया होगा, अब तो 12 साल हो गए होंगे उसे CA बने हुए, 6-8 बड़े बड़े प्लॉट भी ले लिए होंगे उसने कहीं ना कहीं, समझ रहे हो। तो कॉन्सेंट्रेशन में रहा करो, बोतले पास कर रहे हो एक दूसरे को, बैग उठा उठा के दे रहे हो, बैग गिर रहा है तो संभाल रहे हो, है ऐसे नहीं होता भाई। और तुम्हारी जनरेशन ऐसी है जो सबसे दुनिया की बेस्ट जनरेशन, लेकिन एक बार ड्रॉबैक और सुन लो, तुम्हारी जनरेशन ऐसी है जिसका सबसे तगड़ा कंपटीशन भी है। इतना कंपटीशन आज से 20 साल पहले 25 साल पहले हुआ ही नहीं करता, कोई करता ही नहीं था CA, पहले डरते थे। हाँ इंस्टीट्यूट का रिजल्ट वैसे ही था, तो अभी तुम्हारे को बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन चलाना है, समझो इस बात। चलो डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है हमारा। श्योरिटी कैसे डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज मतलब अब श्योरिटी की लाइबिलिटी नहीं है, वो क्रेडिटर के प्रति लाइबल नहीं होने वाला, समझ गए, वो क्रेडिटर के प्रति लाइबल नहीं होने वाला। तो क्रेडिटर के प्रति क्यों लाइबल नहीं होने वाला, ध्यान से समझेंगे सबके सब। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि श्योरिटी अब भविष्य में लाइबल, सबसे पहला काम श्योरिटी ने क्या करा, अपनी गारंटी को रिवोक कर लिया। आप बोलोगे सर ये तो गड़बड़ है, गड़बड़ है या नहीं, PD क्रेडिटर ने PD को पहले दे दिए पैसे, मान लो 50,000, उसकी गारंटी किसने दी, PD पैसे ले गया और बाद में श्योरिटी कह रहा अब मैं अपनी गारंटी, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्रेडिटर बेवकूफ है। तो रिवोकेशन स्पेसिफिक गारंटी का तो हो ही नहीं सकता,
हाँ रिवोकेशन कॉन्टिन्यूअस गारंटी का हो सकता है, वो भी भविष्य के लिए, जितने जितना पेमेंट, जैसे याद है मेरे पापा ने सारे पैसे देने के बाद बोला था उस बंटा वाले को कि आगे से इसको कुछ भी, तो वहां पापा ने रिवोक कर लिया था अपनी गारंटी को, बट पास्ट परफॉर्मेंस के लिए वो तभी भी उस बंटा वाले के लिए लाइबल। कुछ आ रहा है समझ में? तो रिवोकेशन ऑफ गारंटी स्पेसिफिक में तो हो ही नहीं सकती। अच्छा हो सकती है जब क्रेडिटर ने डेटर को पैसे ना दिए, पैसे अभी दिए नहीं, तो श्योरिटी को कुछ पता लगा, श्योरिटी गया दौड़ के, भाई पैसे मत दियो मैं गारंटी वापस लेता हूँ। डेटर बोलेगा हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, भाई तू केस कर दे मेरे पे, लेकिन तू पैसे है देखना। स्पेसिफिक गारंटी के बारे में कहता है, जनरली इट कैन नॉट बी कैंसल्ड, जनरली ये गारंटी कैंसल, हाउ एवर इफ द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू स्पेसिफिक गारंटी हैज नॉट येट टेकन प्लेस देन श्योरिटी कैन रिवोक द स्पेसिफिक। समझ गए? अब बात आती है कॉन्टिन्यूस गारंटी। द श्योरिटी कैन कैंसल द कॉन्टिन्यूस गारंटी ओनली फॉर फ्यूचुअल ट्रांजेक्शन एंड नॉट फॉर दोज ट्रांजेक्शन विच हैज ऑलरेडी, मैंने क्या बोला, कॉन्टिन्यूस गारंटी के लिए फ्यूचर, जैसे मैंने जूस के लिए बोला था अपने दोस्त को 6 महीने तक पिलाने के लिए, जूस वाले से बोला था, तो जूस वाले ने 2 महीने पिला दिया, मेरे दोस्त से मेरी लड़ाई हो गई, मगर साले मर जा तू कैंसर में, तो मैं उसकी गारंटी वापस लेके लेने चला गया, तो मैं सिर्फ 2 महीने जो उसने जूस पिया उसके पेमेंट तो मैं करके ही आऊंगा, उसके आगे की गारंटी मैं रिवोक कर सकता। समझ गए कैसा लगा? तो स्पेसिफिक गारंटी रिवोक, लेकिन हाँ अगर अभी ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, मतलब पैसे नहीं दिए गए, तो वो रिवोक कर सकता है। दूसरी बात ये भी अच्छा है, डेथ ऑफ श्योरिटी। देख भाई स्पेसिफिक गारंटी होगी तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा क्योंकि वो तो मर ही गया, एंड ऑल्सो हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव शेल नॉट बी लाइबल इफ द श्योरिटी हैज डाइड बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल। तो यहां ये कह रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था तो श्योरिटी की डेथ के बाद कौन लाइबल होगा? उसका लीगल, हाँ लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल तब नहीं होगा जब डेथ से पहले क्रेडिटर और पीडी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, बस श्योरिटी ने वादा किया क्रेडिटर को, क्रेडिटर ने कहा ठीक है पीडी को मैं कल बुला के पैसे देता हूं, कल बुलाने वाला था, आज रात को ही हार्ट अटैक आ गया। ये हार्ट अटैक बहुत आ रहे हैं। बांग्लादेश का एक बहुत ही फेमस चेस का खिलाड़ी है, मुझे नाम नहीं पता, कल ड्यूरिंग द मैच नंबर 1 चेस खिलाड़ी है बांग्लादेश, ड्यूरिंग द मैच उसको स्ट्रोक आया और वो खेलते खेलते, तो आज सुबह से मैंने रिफाइंड बंद कर दिया। आ जाओ स्पेसिफिक गारंटी की बात करें, स्पेसिफिक गारंटी मतलब कि सर श्योरिटी डिस्चार्ज तब होता है जब एक तो उसकी डेथ हो गई और उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जनरली लाइबल होगा बट नहीं होगा अगर पीडी को क्रेडिटर ने अभी तक पैसे। कंटिन्यूअस गारंटी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है श्योरिटी की डेथ पर, एंड हेयर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द श्योरिटी विल नॉट बी लाइबल फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन अकरिंग आफ्टर द डेट ऑफ, मतलब श्योरिटी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल होगा डेथ से पहले की सारी ट्रांजेक्शन। लिखा भी है हाउ एवर लीगल हियर मतलब वही लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी लाइबल फॉर ऑल ट्रांजेक्शन बिफोर डेथ ऑफ। समझ गए? एनी प्रॉब्लम? डन। तो जी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डिस्चार्ज कब होता है श्योरिटी। तो एक तो हो जाता है श्योरिटी डिस्चार्ज जब वो रिवोकेशन ऑफ गारंटी देता है, एक हो जाता है श्योरिटी डिस्चार्ज डेथ ऑफ श्योरिटी उसकी डेथ पर, और एक वो डिस्चार्ज हो जाता है डेथ
डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरियंस इन द टर्म्स ऑफ द, जैसे कि मैंने गारंटी दी 5,000 की और क्रेडिटर ने पीडी को दे दिए 20,000, तो गारंटी कितने की दी थी और तूने दिए कितने, तो पक्का भागेगा वो, 20,000 का लोड उसके सर पे आ गया, उसको डर लग गया, वो भाग गया। जब मैंने तुझे गारंटी 5,000 की दी है तो तेरे को लोन कितना देना चाहिए था। अब मैं डिस्चार्ज में 1 रुपए के लिए भी लाइबल नहीं हूं। आ गया समझ? तो कहता है ए स्टैंड्स एज अ गारंटर फॉर सी हु हैज टेकन अ रूम ऑन रेंट एट ₹5,000 पर मंथ फ्रॉम बी। ए गिव्स गारंटी फॉर आफ्टर 6 months, बी एंड सी mutually increase the rent ₹6,000 per month without the consent of। तो भाई जब गारंटी 5,000 की दी है तो तू 6,000 रुपए कैसे बात कर रहा है। टर्म्स वेरियंस नहीं होनी चाहिए, वेरियंस मतलब डिफरेंस, टर्म्स में कोई भी फर्क। ऑल वेल। और चौथा कहता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर रिलीज द पीडी, मतलब क्रेडिटर ने पीडी को माफ कर दिया तो क्या वो श्योरिटी से पैसे लेने जाएगा? साले ये तो फिर क्रेडिटर और पीडी के बीच में धंधा हो जाएगा। नहीं समझे? पीडी पहले क्रेडिटर से पैसे लेगा श्योरिटी बुलाकर, फिर क्रेडिटर पीडी को माफ करेगा और क्रेडिटर जाएगा किसके पास और दोनों आधा आधा ले लेंगे। हो नहीं सकता ये बिजनेस। अच्छा है बिजनेस तो नहीं है अच्छा। यहां इन्होंने मना कर दिया, अगर क्रेडिटर ने पीडी को रिलीज कर दिया तो मतलब उसने श्योरिटी को भी रिलीज कर दिया। और पांचवा कहता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी इफ गारंटी वॉज टेकन बाय फ्रॉड एंड गारंटी फ्रॉड करके ली। फ्रॉड मतलब दोनों भाई भाई हैं, मतलब पीडी ने क्रेडिटर से बोला कि भाई मुझे को 1,00,000 दे दे, पीडी ने क्रेडिटर से बोला मुझे 1,00,000 दे दे, असल में दोनों भाई भाई है या दोस्त है, जिगरी यार, जिगरी फ्रॉड ही यार। तो इन्होंने एक बंदे को बकरा बनाने की सोची, मिस्टर एस नाम के। पीडी रोते रोते गया, भाई मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, मुझे दिलवा दो इसे पैसे। इसको रोना आ गया। श्योरिटी ने क्रेडिटर को बोला आप दो 1,00,000, अगर ये नहीं दे पाएगा तो मैं दूंगा। ठीक है, क्रेडिटर ने श्योरिटी को बोला मैंने पीडी को पैसे दे दिए, जबकि दोनों में आपस में कुछ भी नहीं हुआ और ड्यू डेट थी 1 महीने बाद की, और ऑब्वियस सी बात है दोनों फ्रॉडी है। तो क्रेडिटर गया श्योरिटी में, लाओ जी 1,00,000 दो, वो तो भाग गया। क्यों दी आपने गारंटी? मैं इसलिए तो नहीं दे रहा था, उस मुझे पता था उसके बारे में, और दे दो गारंटी, लाओ पैसे। श्योरिटी ने दे दिए 1,00,000, दोनों ने भाई ने 50, मौजा ही मौजा है ना। ये तो क्या है, ये तो गड़बड़ है। तो अगर फ्रॉड किया गया है तो श्योरिटी लाइबल नहीं होने वाला। समझ में आ गया जी? और मेरे नोट्स का लास्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस, तो सेक्शन एप्लीकेबल होता है इंडेमनिटी पे 124 और 100 और गारंटी पे 126 और 47। नंबर ऑफ पार्टीज कितनी होती है? इंडेमनिटी में दो होती है, इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी। अच्छा, इस चैप्टर में ना सबसे ऊपर मैंने 147 की जगह 247 कर दिया था। ये ना ये 147 ही है एक्चुअली, ये इस यूनिट की बात कर रहा था, इस यूनिट में 147 तक। ऑल वेल। तो आपको जो नोट्स भेजे उसमें भी यही है। नोट्स हेल्पफुल है तुम्हारे लिए सारे?
लॉ में बहुत फेमस नोट्स हैं, बहुत पूरा इंडिया में, इंडिया में लगभग लगभग भी इस बार लगभग 350 बच्चों ने डाउनलोड किया एप्लीकेशन से। तो अभी बढ़ता जा रहा है, मतलब माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो रही है, तो पढ़ रहे हैं वो, कह रहे हैं कि भाई पढ़ो ये तो बहुत अच्छे नोट्स हैं। तो लोगों ने बोला, मैसेजेस आए हैं परफेक्टली तरीके से, तो आप लोग क्या करो नोट्स को, लेकिन नोट्स सब्स्टिट्यूट बुक का नहीं है, मैं पहली क्लास से बोलता आ रहा हूँ, स्टडी मटेरियल छोड़ना नहीं है। ये तो बात की बात है, इसको क्या पढ़ा, पहले इसको पढ़ के ना एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है चैप्टर की, तो चैप्टर को पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, बस इसलिए बनाए गए। ठीक है, तो दो पार्टी होती है, इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी, और यहाँ तीन पार्टी होती है, पीडी, क्रेडिटर और नेचर ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इंडेमनीफायर की प्राइमरी और श्योरिटी की सेकेंडरी, और स्कोप ऑफ कवरेज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डज नॉट इंक्लूड, लेकिन गारंटी में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है, पूछो कैसे। श्योरिटी क्या बोलता है, अगर पीडी ने डिफॉल्ट किया तो मैं पैसे दूंगा, तो आपको ही लगता है श्योरिटी यहाँ इंडेमनीफायर भी हो गया, हुआ या नहीं हुआ, और क्रेडिटर इंडेमनिटी होल्डर हो गया। सही है, क्रेडिटर ने पीडी से पैसे मांगे, पीडी ने पैसे नहीं दिए, क्रेडिटर ने उस पर केस फाइल करा तब भी नहीं दिए, तो वो पैसा आप कौन देगा। ऑल वेल, ठीक है, तो ये हमारे नोट्स से तो अपने को समझ में आ गया, और मैंने बड़े प्रेम से आपको प्यार से बताया है, आप अपने ऊपर ये बोझ मत लेने दो कि एक साथ पढ़ेंगे एक साथ पढ़ेंगे कंसिस्टेंटली। बेटे क्वेश्चन हो रहे हैं तुम्हारे सबके, कितने हो रहे हैं, वेरी नाइस, कॉन्फिडेंस आ रहा है। अब देखो कलम ना, तुम्हारी कलम में धार आ चुकी होगी, अब पेन ऐसे चलता होगा धड़ 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 धड़। अच्छा मैचिंग भी कर लिया करो, तो चलो क्वेश्चन करके छोड़ दिया, मैच करना है, मेक की पॉइंट, आंसर देखना, अगर वो 70-80% मैच हो रहा है, कंक्लूजन एज इट इज मैच होना चाहिए। नहीं वो ना एक, वो एक तरीके का वो है एक डेमो, तो आप वो एज इट इज जैसे आईसीआई ने बोला हुआ है वैसे नहीं करना, करना है वैसे ही जो मैंने बताया। ठीक है, ऑल वेल, तो बुक पे आते हैं, स्टडी मैट यूनिट 7 आईसीएआई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, तो जी शुरू कर देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टी होती है, श्योरिटी, पीडी और एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज। श्योरिटी जो होता है वो गारंटी देता है, पीडी जो होता है जिसके रिस्पेक्ट में गारंटी देता है, क्रेडिटर मतलब जिसको गारंटी देता है। तो देखो बड़ा प्रेम से एग्जाम्पल लिखा है इंस्टीट्यूट ने, व्हेन ए रिक्वेस्ट बी टू लेंड 10,000 टू, ए ने बी को बोला तू 10,000 इसको दे दे, ये नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, एंड गारंटी सी विल पे द अमाउंट विद इन एग्रीड टाइम, एंड अगर सी फेल हो गया तो ए विल हिमसेल्फ पे टू बी, दिस इज ए गारंटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, हियर बी इज ए क्रेडिटर, ये जो बी है ये क्रेडिटर है, ए श्योरिटी है, सी पीडी है, पीडी मतलब प्रिंसिपल। तो अगला एग्जाम्पल, एक्स एंड वाई गो इन टू ए कार शोरूम, जहां एक्स कहता है टू द डीलर टू सप्लाई लेटेस्ट मॉडल ऑफ वैगन आर टू वाई। एक्स वाई के पास गया, उसने कहा लेटेस्ट मॉडल वैगन आर का दो, वैगन आर देखिए गाड़ी बिल्कुल डब्बा लगती है लेकिन अच्छी गाड़ी है, क्योंकि मुझे याद आ गया कि विशाल सर भी वही है। चलो, एंड एग्रीज दैट इफ वाई फेल्स टू पे ही, अच्छा मैं ना मजाक कर, तुम हमें भिड़वाओगे तो नहीं, कहीं टीचरों को भिड़वा दो अपने, हाँ जी मेरे पास क्रेटा। चलो जी, एंड एग्रीज दैट इफ वाई फेल्स टू पे ही विल, इन केस ऑफ वाइज फेलियर टू पे द कार शोरूम विल रिकवर इट्स मनी फ्रॉम, एक्चुअली मेरे पास अभी कोई गाड़ी है ही नहीं, वो मेरे भाई के पास है, उसको दे रखी है, तो जहां मैं रहता हूँ वहां पार्किंग नहीं है, उस एरिया में ही नहीं है, मतलब घर तो छोड़ो वहां ही दूर दूर तक नहीं है,
फिलहाल अभी दूसरी जगह, मैं जब घर चेंज करूंगा तब देखूंगा। सर के पास भी सर की अच्छी, अभी देखा था मैंने, सर बाहर खड़ी थी सर की गाड़ी, पैक कर रहे थे सर। वैगन आर अच्छी है, वैगन आर गाड़ी बढ़िया है। चलो दिस इज ए, मेरा मानना तो ये है कि बंदे को दिल्ली जैसे शहर में गाड़ी लेनी नहीं चाहिए, कोई बेनिफिट नहीं है कार का। मतलब जहां तक मैं समझता हूँ, अगर मैं, पता है आपको, बहुत जो बड़े बड़े लोग हैं ना, पर्सन्स जो हैं, जो जिन्होंने 8-8, 10-10 करोड़ का पोर्टफोलियो कर रखा है, 10-10 करोड़ उनके म्यूचुअल फंड में और स्टॉक में है, मैं ऐसे 100 में से 90 लोगों को पर्सनली नहीं जानता, वैसे बता रहा हूँ नाम से, जिन्होंने आज तक दो काम, ना तो अपना घर लिया है कभी और ना कभी गाड़ी ली है। एक बंदा है मुंबई में है, उसका नाम पता नहीं भूल गया मैं, उसका पोर्टफोलियो अभी 48 करोड़ का है, 48 करोड़ का। उसकी मंथली SIP 30 लाख रुपए की जाती है, म्यूचुअल फंड में 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है वो, और 2200 करोड़ रुपए का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। 2004 में पहली बार मुंबई आया था और पहली SIP उसने 2010 में करी थी 10,000 रुपए की, और उसका टारगेट है, अभी वो 43 की एज पे है, उसका टारगेट है 50 की एज पे पहुंचते ही, 50 तक उसको 100 करोड़ करना है, एक टारगेट है 100 करोड़। उसको कुछ कोई एंजॉय नहीं करना, उसका एक टारगेट है 100 करोड़ करना है, मेरी तमन्ना है। उस बंदे के पास ना तो अपना घर है ना अपनी कोई गाड़ी है, उसने चर्च गेट रेलवे स्टेशन है मुंबई के अंदर, उसके ठीक 100 मीटर की दूरी पे एक रेंट अपार्टमेंट, अपार्टमेंट लिया, महंगा लिया, 1.5 लाख रुपए का रेंट पे लिया है, वहां वो रहता है, मैट उससे ज्यादा लोकल से या ओला और उबर से। कहते दिल्ली मुंबई से एरिया में आपको गाड़ी लेना, मतलब आप महामूर्ख हो। मंथली अर्निंग का तो मैं बताऊं तेरे को, जो 30 लाख रुपए की SIP कर रहा है वो कम से कम मंथली 50 लाख रुपए कमा रहा होगा, जिसकी SIP 30 लाख की जा रही है ना। तो बिल्कुल, मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि दिल्ली जैसे एरिया में, या अगर आप मुंबई में रहते हो तो आपको गाड़ी लेने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा सजेशन, अगर आप पूरे भारत में कहीं भी रहते हो, आपको गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। आपने ली, यंगर एज की बात कर रहा हूँ, आप 40-45 में लो, आपकी उम्र देखो आज की डेट में, बताऊं थोड़ा सा, देखो अरे पैसा आता है तो सब कहते हैं हाँ हाँ जल्दी बोल। यंगर एज में, जैसे कि कोई एक पर्सन है जो मान लो कि आप 28 की एज में CA बन गए, ठीक है, मैं लेट बोल रहा हूँ थोड़ा, वैसे आप 25 तक 24 तक बन जाते हो। अब बंदा क्या करता है, 28 की एज में उसकी मान लो 1.5 लाख की सैलरी है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ क्या करते हैं, मोर देन 90% जनरेशन वो ये गड़बड़ करते हैं कि क्योंकि उन्होंने पास्ट में थोड़ा सा कम देखा हुआ है, कम देखा है, या पास्ट में उनके परिवार पे बहुत कुछ था। दोनों टाइप के लोगों की बात करो, जिनके परिवार पे कुछ नहीं था, मतलब ना तो उनके घर में गाड़ी थी ना बढ़िया घर था, और एक वो जिनके परिवार में गाड़ी भी थी और घर भी था। अब वो दोनों ही क्या करते हैं, 1.5 लाख आ गए, जिसके घर में कार नहीं थी, अब उसके दिमाग में पहला आएगा भाई खानदान का पहला बंदा होऊंगा जो मैं गाड़ी लूंगा, 15 लाख की गाड़ी है। अब तुम CA बन गए तो क्या तुम 15 लाख की तो गाड़ी लोगे ही लोगे, 90% तुम लोन कराओगे, ठीक है, तो तुमने 13 लाख रुपए का लोन लिया, और लोन की क्या भरोगे, तो 1.5 लाख का एक हिस्सा तुम्हारा कहाँ जा रहा है। अब इस कार की वैल्यू दिन पे दिन क्या होगी, पहला लॉस। दूसरा काम हमारा होता है क्रेडिट कार्ड, या तो क्रेडिट कार्ड कभी नहीं लेना चाहिए, और अगर है आपके पास तो आपको ये पता होना चाहिए इसका यूज कैसे करते हैं। क्रेडिट कार्ड ने आधे से ज्यादा लोगों को बर्बाद कर रखा है, जैसे अमेजोन वगैरह पे आप देखते हो पे लेटर, बाय नाउ पे लेटर, PNPL, ये दुनिया का सबसे खतरनाक वो है। बाय नाउ, वो जो बिग बिलियन सेल होती है ना, उसमें 90% बंदा जो सामान खरीदता है वो इस बेसिस पर खरीदता है, बाय नाउ पे लेटर।
एक दूसरा कांड, तीसरा वो लेता घर, तो क्योंकि बचपन में उसके पास अच्छा घर, तो उसको अपने माँ बाप को दिखाना है, प्रूफ करना। अरे तू कर चुका है प्रूफ, तू 1.5 लाख कमा रहा है, क्या प्रूफ कर रहा है तू, ले लियो आराम से। अब वो जोश में उसने ले लिया होम लोन, आप बिलीव नहीं करोगे महीने की 21-22 तक या 25 तक उसकी बैंक में कुछ भी नहीं रहता। और अगर यही पैसा ये यहां से इन्वेस्ट करता ना मात्र 10 साल के लिए, 1.5 में से मात्र 1 लाख रुपए की अगर वो SIP करता 15 साल के लिए, मैं बता रहा हूँ वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है। मैं तुम्हें शो कर अभी दिखा सकता हूँ, 1 लाख रुपए की 15 साल की SIP 15% का रिटर्न मांग रहा हूँ, वैसे अभी 18-20% का चल रहा है। वो कंपाउंडिंग का जो फायदा मिलता है ना, ये SIP कैलकुलेटर में किसी का भी उठा लो, बंदा 1 लाख रुपए डाल रहा है और देख सैलरी बढ़ेगी। मैं तो टॉप अप मानूंगा, टॉप अप के बिना बता रहा हूं, एक टॉप अप होता है हर साल 10% 5% आप। अब बंदा 28 साल की उम्र से कर रहा है ना, तो मैं कह रहा हूं 22 साल तक तू इन्वेस्ट कर, कितने साल तक, अप टू द एज ऑफ 50 तू रिटायर देख नीचे, 20 करोड़ रुपए वैल्यू है तेरी, देख लो 22 साल तक तेरी इन्वेस्टमेंट मात्र 2,64,00,000 रुपए हुई, 18,66,00,000 रुपए का तेरे को रिटर्न मिलेगा, 20,70,00,000 रुपए लेके तू बैठा होगा। यानी कि आज जो तू गाड़ी 15 लाख वाली खरीद रहा है ना, तू 3 मर्सिडीज को लात मार रहा है। लेकिन अगर मैं ये बात किसी नॉर्मल आदमी को बोलूं वो मुझे पागल बोलेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी जनरेशन का, ये पैसे की ऐसी की तैसी करते हैं। गलती मैंने भी बहुत की है, आईफोन की ऐसी कोई सीरीज नहीं थी X तक जो मैं पहले दिन नहीं खरीदता था, फिर समझ में आया धीरे धीरे आया, आने लगा। तो उसके बाद पिछले 4-5 साल से मैंने बदला हुआ, अच्छा पोर्टफोलियो मेरा भी बढ़िया हो गया 4 साल, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है सारो किडनैप कर लोगे तुम। तो आप फाइनेंशियली फ्रीडम में 50 की उम्र में, बताओ 50 की उम्र में 20 करोड़ रुपए आपके बैंक में, क्या नहीं कर सकते आप, पहले तो काम छोड़ो, एट द एज ऑफ 50 50 इस 20 करोड़ रुपए में से मैं कह रहा हूं तुम कितनी महंगाई होगी 22 साल बाद, तुम 2 करोड़ रुपए का एक घर लो, 18 करोड़ रुपए बचे, 1 करोड़ रुपए में ले लो जो मर्जी गाड़ी जो तुम्हें चाहिए थी, ले कौन सी लेगा, मर्सिडीज लेगा, ले ले 1 करोड़ और सेफर डाल दो, मैं कह रहा हूँ 2-3 करोड़ सेफर डालो, 15 करोड़ वापस म्यूचुअल फंड में डाल दो। और वहां एक ऑप्शन आता है SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, वो 15 करोड़ रुपए तुम हर महीने 4 लाख रुपए निकालते रहोगे ना, उसके बाद भी 70-65 की उम्र तक तुम्हारा पैसा 30 करोड़ हो जाएगा। ये है कलाकारी मार्केट, समझ रहे हो, ये गेम आपको सीखना चाहिए। चलो वापिस आ जाते हैं, मैं तुम्हें क्यों सिखा रहा हूं मुझे नहीं पता, बहुत काम आएगा। कभी भी उछलने के लिए उछलते ना हम स्टेटस में बेवकूफी नहीं करना, इनकम आ रही है महंगी घड़ी नहीं खरीदनी, अभी मैं मना नहीं कर रहा खरीदने को, आपको क्या करना है आपकी जो भी इनकम हो वो 50-30-20 का रूल बनाना है जिंदगी भर, 50 नेसेसरी 30 अपनी वॉन्ट्स, कुछ टैक्सेस वगैरह भी दोगे आप, भाई आप 1.5-2 लाख कमाओगे तो टैक्स भी तो दोगे, 20% बिना देखे सीधा मार दो इन्वेस्टमेंट, छेड़ना नहीं है इसको। आप 2 लाख कमा रहे हो, 40,000 की SIP मार दो, उड़ दो 10% टॉपअप के साथ, मतलब हर साल 10% बढ़ाते रहो, इनकम तो बढ़ेगी ना, इन्फ्लेशन 6% बढ़ रहा है, आपका टॉपअप 10% है, आपको देखना कंपाउंडिंग की पावर पता लगेगी 12-13 साल बाद, 10 साल बाद, जो आपका पैसा, जैसे कि मेरे एक दोस्त ने 20,000 की SIP करी थी मंथली, ठीक है,
तो उसका 8 साल में 50 लाख रुपए हो गया था, उसका 12 साल में 1 करोड़ हो गया, और 14.5 में 2 करोड़ हो गया। देखो यहाँ 1 करोड़ में सिर्फ 2.5 साल लगे, यहाँ 50 लाख में मात्र 4 साल लगे, ये कंपाउंडिंग। उसके बाद उसने 2 साल और वेट किया, 4.5 करोड़ हो गए, और मतलब काफी सीनियर है वो, मेरे मामा के दोस्त है, वो फाइनेंशियली फ्रीडम में, उन्होंने छोड़ दिया काम करना, वो एंजॉय कर रहे हैं, टेम्पल्स 1-2 टेम्पल्स है वहां जाते हैं, अपना सारा वो करते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, सारे काम करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स रीडिंग करते हैं, अपने शौक पूरे करते हैं, फाइनेंशियली फ्रीडम में है। कितनी एज है? 51, और हर महीने की SWP करा रखी है, उनका मंथली खर्चा 1,20,000 है, 1.5 लाख की सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करा रखा है, और वो पैसा आप जिंदगी भर मिलता रहेगा, जब मरेंगे तो बचा हुआ पैसा सब बच्चों का, ले जाओ सालों पहुंच लो, मैंने भी जी लिया अब तुम जी लो, सही है। तो आप लोग कभी भी अपने फादर जो होते हैं ना, पापा के सामने कभी बैठना, तो CA करने का बेनिफिट दिखाओ अभी जाके, पापा आपकी जो भी इनकम, आपके पापा सब सबको बोलो इन्वेस्ट करने को म्यूचुअल फंड में, नहीं करते, करना सुनना पड़ेगा उनको, नहीं तो तुम फिर सुनाओ उनको, अभी फोन मत कर रख दे, ठीक है। आ जाओ, चलो प्यार से बोलो, बैठा के बोलो, उन्हें प्रूफ दिखाओ। देखो कोई भी चीज बिना प्रूफ के नहीं होती, अपने फैमिली को जब तुम इन्वेस्ट करोगे ना कि आप लोग इन्वेस्ट करें, तो उनको प्रूफ दिखाओ बिना। अब मैं तुम्हें बकवास कर रहा, मैंने तुम्हें दिखाया ना, सामने दिखाया, जबकि मैंने रिटर्न 15% का लिया, वो भी बिना टॉप अप। अगर ये पैसा टॉप अप होता ना, ये पैसा कम से कम 33 करोड़ रुपए होता, हर साल 10% अगर बढ़ाता तो। ये जो बड़े बड़े अमीर बाहर घूम रहे हैं ना, ऐसे नहीं घूम रहे, अमीरी का सिंपल है, वॉरेन बफे कहते हैं इन्वेस्ट एंड वेट, कोई रातों रात, कई लोग स्टॉक मार्केट में सोचते रातों रात कमाएंगे, तो रातों रात गायब होते हैं फिर, क्योंकि उधारी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। चलो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कौन सा एग्रीमेंट है? त्रिपार्टी एग्रीमेंट, एक प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन PD एंड सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन श्योरिटी एंड वेयर बाय PD इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू इंडेमनीफाई द इफ द श्योरिटी इज मेड टू पे और, समझ गए? तो देखो जी, तीन कॉन्ट्रैक्ट, एक तो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है PD और क्रेडिटर के बीच में, एक क्रेडिटर और एक श्योरिटी और, इसके बीच में कौन सा हुआ है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। भाई श्योरिटी PD की गारंटी दे रहा है, तो इम्प्लाइड है PD नहीं दे पाया पैसे, श्योरिटी दे देगा और श्योरिटी PD के खिलाफ केस करेगा बाद, समझ गए? अब एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए गारंटी, सबसे पहला पर्पस क्या होता है? द पर्पस ऑफ गारंटी बीइंग टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ ए डेब्ट, की पेमेंट को सिक्योर करना। The existence of recoverable debt is necessary. If there is no principal debt, there can be no valid. All well. दूसरा यहां पर consideration होता है, consideration indirect consideration होता है, सही है? Direct भी होगा और indirect भी होगा, और दोनों ही valid है, ये हम पढ़ चुके हैं। Existence of a liability, कहता देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी और ए प्रॉमिस हुज परफॉर्मेंस इज सच लाइबिलिटी और प्रॉमिस मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय एंड सच लाइबिलिटी मस्ट बी लीगली एनफोर्सेबल एंड नॉट टाइम, मतलब टाइम बाय डेप्ट पे कोई गारंटी नहीं दे रहा, मैं नॉर्मल गारंटी दे रहा हूँ। ऐसी लाइबिलिटी जो लीगल तरीके से एक क्रेडिटर ने PD को पैसे दिए, समझ गए सब? कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन और कॉन्सीलमेंट, कॉन्सीलमेंट मतलब छुपाना, फ्रॉड करना, वो नहीं होना चाहिए, ये सब पढ़े ना अभी हमने। एनी गारंटी विच हैज बीन ऑब्टेन बाय द मींस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द क्रेडिटर और विद हिज नॉलेज एंड एसेंट
कंसर्निंग ए मटेरियल पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज इनवैलिड, इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रांजेक्शन का आप बता ही नहीं रहे हो, इनवैलिड है, फ्रॉड कर रहे हो, इनवैलिड है। यू आर नॉट, मतलब आपको कोई क्रेडिटर अगर है तो उसको ये बिल्कुल भूल जाना चाहिए कि अगर मैं फ्रॉड करके सिक्योरिटी को मूर्ख बनाता हूँ तो मेरे को मेरा पैसा मिल जाएगा। नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन मामलों में भी बड़ा सख्त है। और यहाँ पर ये पॉइंट सामने देखो, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, ए इंगेज बी एज क्लर्क टू कलेक्ट मनी फॉर हिम, ए ने बी को रखा कि मेरे लिए पैसा कलेक्ट कर, बी फेल्स टू अकाउंट फॉर सम ऑफ हिज रिसीप्ट एंड ए इन कंसिक्वेंस कॉल अपॉन हिम टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज ड्यूली अकाउंटिंग, सी गिव्स हिज गारंटी फॉर बीज ड्यूली अकाउंटिंग, ए डज नॉट एक्वाइंट सी विद हिज प्रीवियस कंडक्ट, बी आफ्टरवर्ड मेक डिफॉल्ट द गारंटी इज इनवैलिड। जल्दी से बताओ इसको पढ़कर अच्छे से, अगर मटेरियल चीजों को छुपाकर कोई गारंटी दिलवाई गई है तो इनवैलिड है। दोबारा से पढ़ रहा हूं, ए इंगेज बी एज क्लर्क टू कलेक्ट मनी फॉर, बी फेल्स टू अकाउंट फॉर सम ऑफ हिज, मतलब बी ने कुछ गलतियां, ये बात ए को पता है ना, ए इन कंसिक्वेंस कॉल्स अपॉन हिम टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज ड्यूली, ए ने बी को बोला भाई तू कोई सिक्योरिटी रख हमारे पास, तेरा कोई भरोसा नहीं है, तो ये बात ए को पता है ना कि बी गलत है। सी गिव्स हिज गारंटी फॉर बीज ड्यूली, और सी ने किसकी गारंटी दे दी, लेकिन ए को तो पहले से ही पता है कि बी क्या है, और ये बात सी को, ए ने ये बात सी को नहीं बताई कि पहला वाला कंडक्ट इसका गलत था। बी आफ्टरवर्ड जो जो चोर है, तो चोर तो है ही, वो तो सबके साथ ही करेगा गलत, बी ने फिर से गलत करा, ऐसे में अब ये वाला बंदा लाइबल। ऑल वेल जी, अगला एग्जांपल, ए गारंटी टू सी पेमेंट फॉर आयरन टू बी सप्लाइड बाय हिम टू बी टू द अमाउंट ऑफ रुपीज 2000 टन, बी एंड सी हैव प्राइवेटली एग्रीड दैट बी शुड पे रुपी 5 पर टन बियॉन्ड द मार्केट प्राइस, सच एक्सेस टू बी अप्लाइड इन लिक्विडेशन ऑफ एन ओल्ड डेब्ट, दिस एग्रीमेंट इज कॉन्सील्ड फ्रॉम ए, ए इज नॉट लाइबल एज सिक्योरिटी। जल्दी पढ़ के बताओ, जल्दी जल्दी, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ। बी और सी ने प्राइवेटली एग्रीमेंट किया है, तो गलत नहीं है ये, प्राइवेट एग्रीमेंट कर रहे हो, तो ये गारंटी जो दी गई है वो सही। फिर कहता है राइटिंग नॉट नेसेसरी, ओरल भी हो सकता है ना, और ज्वाइनिंग ऑफ अदर कोश्योरिटी, कोश्योरिटी दूसरा आ गया तो इक्वल रेशियो या एग्रीड रेशियो। गारंटी दो टाइप की है, स्पेसिफिक और, दोनों बता चुका हूं, दोनों के बीच में डिफरेंस ओके। चलो, श्योरिटी की लाइबिलिटी का नेचर और एक्सटेंट, तो मैं ये पढ़ा चुका हूं, श्योरिटी की को एक्सटेंसिव लाइबिलिटी होती है, सेकेंडरी होती है, वो तभी लाइबल होगा जब पीडी ने डिफॉल्ट किया हो। क्रेडिटर मे चूज टू प्रोसीड अगेंस्ट द श्योरिटी फर्स्ट अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू द, और अगर डीपीडी पैसे नहीं देता तो क्रेडिटर सीधा श्योरिटी पे केस, अनलेस लिखा ना हो एग्रीमेंट में। ऑल वेल, लाइबिलिटी ऑफ टू पर्सन प्राइमरी लाइबल नॉट अफेक्टेड बाय अरेंजमेंट बिटवीन देम दैट वन शैल बी श्योरिटी ऑन अदर्स डिफॉल्ट। सुनो ये क्या है, वेयर टू पर्सन कॉन्ट्रैक्ट विद अ थर्ड पर्सन टू अंडरटेक अ सर्टेन लाइबिलिटी and also contract with each other that one of them shall be liable only on the default of the other. The third person not being a party to such contract, the liability of each of such two person to the third person under the first contract is not affected by the existence of second contract. देखो क्या है, A और B ने एक joint और several promissory note दिया C को, joint promise किया,
A makes it in fact as surety for B, and C knows that at the time when the note is made, the fact that A to the knowledge of C made the note as surety for B is no answer to a suit by C against B upon the note. क्या कह रहा है? दो बंदे हैं, दो ने थर्ड पार्टी को एक श्योरिटी दे दी और दो बंदों ने आपस में भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, उसका असर थर्ड पार्टी के ऊपर नहीं पड़ने वाला। थर्ड पार्टी को जो गारंटी दी है, यानी क्रेडिटर को जो गारंटी दी है, वो लायबिलिटी हम दोनों की हमेशा रहेगी, बेशक हम दोनों ने आपस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, समझ गए जी। श्योरिटी कब डिस्चार्ज हो जाएगा? रिवोकेशन या क्रेडिटर के कंडक्ट से। मान लो क्रेडिटर ने रिलीज कर दिया पीडी को, और बाय इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, मतलब वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ ऑल वेल, ये हो गया कंडक्ट, हो गया वेरिएशन, हो गया श्योरिटी के राइट्स क्या है? राइट अगेंस्ट द पीडी, अगेंस्ट द राइट अगेंस्ट पीडी क्या है? राइट ऑफ सबरोगेशन। सबरोगेशन मतलब क्रेडिटर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, क्रेडिटर की जगह आप कौन पैसे रिकवर करेगा? श्योरिटी। देखो यहाँ लिखा, राजू हैज टेकन अ हाउसिंग लोन फ्रॉम कैनरा बैंक, पप्पू हैज गिवन गारंटी। राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा ये। बिसाइड्स देयर वाज अ कंडीशन दैट इफ राजू डज नॉट रीपे द लोन विद इन टाइम, द बैंक कैन ऑक्शन हिज प्रॉपर्टी बाय गिविंग 15 डेज नोटिस टू, अगर वो पैसे नहीं देगा तो बैंक 15 दिन का नोटिस देकर प्रॉपर्टी को क्या कर देगा? ऑन ड्यू डेट राजू डज नॉट रीपे, हेंस पप्पू बीइंग अ श्योरिटी हैज टू रीपे द लोन। Now Pappu can take the house from bank and has a right to auction the house by giving 15 days notice to, ठीक है, creditor के खिलाफ क्या right है? Security ले लेगा और set off, ठीक है। हाँ, right to share reduction, ये भी सुनो। The surety has right to claim proportion reduction in his liability if the PD becomes, कह रहा है X ने loan लिया 50,000 का Y से, जो कि guarantee Z ने दी। एक्स इंसॉल्वेंट हो गया और 25% उसकी प्रॉपर्टी से आया, तो जेड कितना देगा फिर? 75 देगा ना, पूरे थोड़ी देगा। जो इंसॉल्वेंट होता है उसकी एसेट्स बेच के पैसे चुकाते हैं ना, तो एसेट्स बिकी 25%। ऑल वेल, को श्योरिटी के खिलाफ क्या राइट है? को श्योरिटी ने जितने की गारंटी दी है उससे, ठीक है, जैसे कि तीन को श्योरिटी थे, 3,00,000 रुपए की उन्होंने गारंटी दी है। अब मान लो पीडी ने डिफॉल्ट कर दिया तो तीनों 1,00,000 रुपए के लिए लाइबल होंगे। और अगर शेयर बता रखा है 60-40, 30-20, 50-30-20, तो फिर उस चीज के लिए लाइबल होंगे। ये हमारा चैप्टर डन हो गया। कैसा लगा भाई? यस, ऑल वेल। तो हमारा यूनिट नंबर 8 हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज नहीं करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स के ऊपर। थैंक यू सो मच।